नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालिया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी। दोषी फारूक पर पत्थरबाजी और हत्या करने का मामला साबित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है, वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। 2002 गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारूक को जमानत दी है। फारूक चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर ना पाए और उनकी मौत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है, वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा। साथ ही आपको बता दें कि जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये सबसे जघन्य अपराध में से एक था, लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन ये अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 17 साल से जेल में है, इसलिए उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।